जो भाजी आती है उसमें से ऐसी ही एक बहुत अच्छी भाजी है टमाटर। टमाटर अब आजकल जो टमाटर आ रहा है वो काम का नहीं है। आजकल जो है ना बड़ा बड़ा टमाटर आया है और वो बहुत कड़क भी होता है और उसमें टेस्ट भी नहीं है। ये टमाटर किसी काम का नहीं। आप टमाटर नाम देखकर कुछ खा रहे हैं तो ठीक है, वरना उसमें टमाटर का कोई भी गुणधर्म नहीं। जो देशी टमाटर आता है, देशी टमाटर आप सब समझते हैं, जो देशी टमाटर है, जवारी टमाटर है, ये सबसे अद्भुत औषधि है उन सब के लिए जिनको डायबिटीज है। जिनको भी डायबिटीज है उनको भरपेट टमाटर की सब्जी खानी चाहिए, देशी टमाटर। जिनको भी डायबिटीज है उनको टमाटर का सूप पीना चाहिए। जिनको भी डायबिटीज है उनको टमाटर काट के सलाद के रूप में खाना चाहिए। जितना ज्यादा टमाटर आप खाएंगे उतनी जल्दी डायबिटीज कम होगा। लेकिन टमाटर वही हो जो मैं आपसे कह रहा हूं, देशी टमाटर, जवारी टमाटर मिलता नहीं है। आप थोड़ा ढूंढेंगे तो मिलता है, महंगा मिलता है, देर से मिलता है। और आप शेतकरी के सामने बोलिए हमको देशी टमाटर चाहिए तो वो देगा। अभी शेतकरी नागरिकों को मैं कहता हूं तो वो कहते हैं राजीव भाई कोई डिमांड ही नहीं करता, सबको देखने में अच्छा टमाटर चाहिए, तो ये विदेशी ही है। आपको देखना अच्छा ना हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो ऐसा टमाटर देशी। तो आप बोलिए भाजीपाला वाले को, वो शेतकरी को बोलेगा, शेतकरी उसका बीज लगाएगा, बीजारोपण करेगा तो आपको मिलेगा। नहीं तो आपके पास अगर थोड़ी खेती है तो आप इसमें देशी टमाटर जरूर लगाइए। इस देशी टमाटर का बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा उपयोग है। जिन बच्चों को बचपन में चश्मा लग गया आंखों में, उम्र तो कम है लेकिन आंखों की रोशनी कम हो गई है, उन सभी को टमाटर में काली मिर्च मिलाकर खिलाइए। टमाटर काटिए कच्चा और उसमें काली मिर्च का पाउडर डाल के रोज एक प्लेट भर के सुबह सुबह खिलाइए। 4 महीने अगर लगातार खिला दिया तो आंखों का चश्मा उतर जाए। जी दही मत डालिए, खाली टमाटर काली मिर्च उसके ऊपर डालकर कच्चा टमाटर के छोटे